महोबगंज क्षेत्र के एकमात्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज गनकुआ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि बुंदेलखंड के प्रसिद्ध समाजसेवी आदर्श शिक्षा रतन से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार गंगेले करम योगी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत संस्था की शिक्षिका रक्षा व कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा सभी को नशा दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। योगी नौगांव से हूं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल कनकुआ जनपद महोबा में उपस्थित हुआ। यहां पर हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के समाज सेवी संरक्षक श्री त्रिपाठी जी, श्री चतुर्वेदी जी और संस्था के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल श्री सतीश मिश्रा जी, सभी बेटियाँ विद्यार्थी शिक्षक बन उपस्थित रहे। मुझे यहाँ पर फिर आमंत्रित किया गया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। मैंने बच्चों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ने के लिए संकल्प दिलवाया और कहा कि महापुरुषों की जीवनी पढ़ करके आगे बढ़ें, स्वच्छ भारत को सभा बनाएं, नशा से दूर रहें। क्या समिति द्वारा अब तक 239 वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जा चुका है, जिसमें 119 युगल, 60 विदुर व 70 विधवा महिलाएं शामिल हैं। बाइट अशोक कुमार कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष आगरा, कुलश्रेष्ठ सभा आगरा। कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष श्री कुलश्रेष्ठ सभा आगरा। यहाँ जो है प्रतिवर्ष सीनियर सिटीजन के लिए एक कार्यक्रम किया जाता है और अब हमारी सरकार ने भी 1 अक्टूबर को वरिष्ठ जनों के लिए एक दिवस बना दिया है, जिसमें लोग वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे यहाँ से पहले से ही इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और उत्तरोत्तर इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और इसमें अब तक जो है हमारे बुजुर्गों का और 50 वर्ष की दंपत्तियों का करीब 269 लोगों का सम्मान किया जा चुका है और आज भी हमारे यहाँ 18 लोगों का सम्मान किया गया है। और ऐसे बुजुर्ग लोग जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए आपकी संस्था क्या है? हमारी संस्था का यह है कि अगर हमको सूचना मिलती है कोई बुजुर्ग को कोई परेशानी होती है तो हम लोग उनका सहयोग करते हैं और दवाइयों में और किसी भी प्रकार की कोई उनको परेशानी होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सहयोग देने हेतु सर्व समाज को समर्पित अखंड ब्राह्मण सेवा दल के तत्वाधान में देश के भविष्य स्कूली छात्रों के लिए हरिद्वार के भेल स्थित एक स्कूल में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद अमरोहा और हापुड़ दोनों की सीमाओं को जोड़ने वाले मुक्तेश्वर क्षेत्र तीर्थ नगरी ब्रिजघाट स्थित पुराने जर्जर पुल पर करोड़ों रुपए की लागत से की गई मरम्मत के बाद भी ये पुल सही नहीं हुआ और चंद ही दिनों के बाद ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। NHAI द्वारा लगाए गए करोड़ों रुपए बेकार हो गए हैं। बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ये पुल बनाया गया था, जो इतने साल बीत जाने के बाद अब जर्जर हालात में है। खैर, अब देखना यह है कि आखिर कब तक विभाग इस पुल की मरम्मत दोबारा से कराता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दीपक है और ये पुल जो है जगह जगह से टूट गया है। 11 मार्च 2019 को ये शुरू हुआ और 6 दिन चलने के बाद सड़क उखड़ गई, जगह जगह से टूटा फूटा पड़ा है और रोज जो है इसमें हादसे होते रहते हैं और इसमें करोड़ों रुपये लगे तब भी इसका कोई सुधार नहीं हुआ। आइए आपको लेकर चलते हैं जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा दावा, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत इतने लागतों में उत्तर प्रदेश सरकार ने चारों तरफ यहाँ विकास कार्य के लिए भेजा है। वहीं वो NHAI नेशनल हाईवे नंबर 9 पर जो पुल बना हुआ है, जो जवाहरलाल नेहरू साहब के समय का बना हुआ था, उस पुल को क्षतिग्रस्त होने में लगभग 3 माह लगे, जो कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किया गया पुल बिल्कुल बुरी तरह दोबारा क्षतिग्रस्त हो गया है। जहां ब्रजघाट के सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, जहां तीर्थ नगरी बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं योगी जी का ये फरमान भी देखने को मिल रहा है जो उन्होंने अपने भाषणों में कहा था, 3 माह के अंदर अंदर पुल चालू हो जाएगा। चालू तो हो गया मगर वह 3 ही माह के अंदर अंदर क्षतिग्रस्त भी हो गया। मैं CNM के लिए मोहम्मद अर्जद हापुड़। यूपी के जांगीराबाद क्षेत्र के गांव जटपुरा निवासी चमन चौधरी के 20 वर्षीय पुत्र विवेक चौधरी ने केरल में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर गांव समेत पूरे जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन किया है।
केरल नेशनल रेस प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने के बाद अपने पैतृक गांव जटपुरा पहुंचे विवेक चौधरी का ग्रामीणों ने फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र के गांव जटपुरा निवासी चमन सिंह के होनहार पुत्र विवेक कुमार ने नेशनल रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन किया है। केरल में आयोजित रेस प्रतियोगिता में जीतने के बाद गांव लौटे विवेक कुमार का जोरदार स्वागत किया है। आज विवेक कुमार जी सेमी न्यूज के साथ हैं, ये बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने रेस में जीत हासिल की है। हमारे साथ हैं विवेक कुमार जी। विवेक कुमार जी, आपने जो रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जो 1500 मीटर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मैं आगे भी बढ़कर अपने देश का नाम रोशन करूँ और एशिया और वर्ल्ड ओलंपिक में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ कि इससे बहुत बेहतरीन तरीके से जो मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ, इससे काफ़ी अच्छी तरह से मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। मेरा वैसे ही मैं गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आऊँ। आगे क्या तैयारी आपकी? सर, मेरी एशिया ओलंपिक की है। किस के लास्ट में एशिया ओलंपिक होने वाले हैं, उनके लिए मेरा चयन भी है और सर मैं चाहता हूँ कि इससे बेहतरीन कर अपने देश का नाम रोशन करूँ। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपने गुरु, फिर उसके बाद मैं अपने माता पिता भाई को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना गरीब परिवार से होते हुए भी इतना मौका दिया और काफ़ी खर्चा मजदूरी करके भी मुझे यहाँ इस लेवल तक पहुँचाया। तो मैं उनका काफ़ी आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। ये थे विवेक कुमार जी, जो नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने गाँव लौटे हैं। कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, सेमी न्यूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। आगामी त्योहार दुर्गा पूजा एवं विधानसभा उपचुनाव बलहा के मद्देनजर अवैध शराब की तस्करी व शराब बनाकर बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने हेतु थाना स्थानीय पर गठित टीम द्वारा आज मुखबिर की खास सूचना पर अभियुक्त रियाज को 30 शीशी नेपाली कर्णाली शराब सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह जालौन के एटा रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक वृद्ध दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि हादसा रेलवे ट्रैक पार करते समय तेज रफ्तार से आ रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की चपेट में आने से हुआ, जिससे दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई।